मुंतजिम हैं। जफर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जफर भाई, पहले तो आप बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिस तरह इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ ये आपके मेहमान हैं और आप अपने मेहमानों की तवाज़ो करते हैं, क्योंकि ये दस्तरखान क्या कहेंगे हमारे उन लोगों से, पूरे पाकिस्तान को जेडीसी वो पैगाम दे रहा है जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी भी नहीं हुआ। नहीं, बस यही, आपने आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। इतनी ज़्यादा लाशें उठा ली हैं ज़बान पे, मज़हब पे, फ़िरक़े पे, कौन सा दहशतगर्दी का तजुर्बा इस पाकिस्तान में नहीं हुआ? बसें यहाँ उड़ी, मस्जिदें यहाँ उड़ी, इमाम बारगाह यहाँ उड़े, चर्च यहाँ उड़े, मंदिर यहाँ उड़े, बसों से उतार उतार के शिनाख्ती कार्ड देख देख के कभी आर्मी के जवानों को, कभी किसी मसलक के लोगों को काटा गया, लोगों के सरों से फुटबॉल तक तो खेली गई है। तो अगर एक ही बिरयानी की देख और ये कुरमे का थाल जो है लोगों के दिलों को मिलाने का बाइस बन रहा है, वो भी रसूल खुदा के नवासे के नाम पर, जहाँ कोई सदका खैरात नहीं, मैं समझता हूँ ये काम पूरे पाकिस्तान में फैला देना चाहिए। अच्छा, बहुत एक मशहूर पहले रोजे पे सहरी पे शतर और दूसरी पे दूसरा पूरे रमजान, आप इस दस्तरखान से लोगों को क्या क्या पहुँचाएंगे भाई? देखिए, हमारी तो सिर्फ कोशिश ये है कि हम खुद मिडिल क्लास लोग हैं, मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, हम वो महरूमी का एहसास जानते हैं कि हमारे अपने किसी सगे को इलाज कराना हो, अच्छे अस्पताल में नहीं जा सकते। अच्छे अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि कहीं 30-40 हज़ार का बिल ना दे दें। हमारे घर में किसी को MRI की ज़रूरत हो, हम कैसे कराएं 20-25 हज़ार रुपये का MRI? अभी तो टेस्ट की बात हो रही है, इलाज की बात नहीं हो रही। इस ख़तरनाक सूरत हाल में कि जब हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़वा सकते, हम कहाँ से देंगे 45 हज़ार महीना फीस? तो उसमें अगर हम अपने मिडिल क्लास या गरीब फैमिलीज़ के बच्चों की वो ख्वाहिशात जो वो बिल बोर्ड्स पर लगे हुए खाने की डिशें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के फेसबुक पर भरा पड़ा है, जी इसका स्पॉन्सर लगी है पोस्ट, ये मंदी, ये चरगा, ये चिल्लू कबाब, ये बूफे 2800-2500, अगर हम वो ख्वाहिशात फ्री में यहाँ पूरी कर दें, उनकी एक महरूमी का एहसास भी ख़त्म कर दें, तो कौन से बुरे हैं? अच्छा, मजबूती तौर पर शहर और अफकार कितने लोगों की तबाह? हम नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे 5 से 6 हज़ार अफराद ही कर रहे हैं, जो कि लास्ट हफ्ता गुजरा है, यहाँ 250 दे गई थी तकरीबन, हमने यहाँ पर 12 हज़ार लोगों की तवाज़ो की है। आने वाले दिनों में ये 20 से 25 हज़ार पे चला जाएगा, हमें मालूम है, क्योंकि अहलियाने कराची शॉपिंग पे होते हैं, वापसी में सब तकरीबन यहीं आते हैं। अच्छा ज़बर, मुझे एक चीज़ बताएं, कैसे ये जज्बा आया कि एक दस्तरखान पे वहीं ईसाई बिठाएंगे, वहीं हिंदू बिठाएंगे, वहीं मुसलमान बिठाएंगे, एक दस्तरखान, ये जज्बा, ये कॉन्सेप्ट क्या है यार? देखिए, बात ये है, हम समाजी लोग हैं, हम रजाकार लोग हैं, हम जब शहर में किसी भी मुसीबत में निकलते हैं काम करने, अगर कोई बिल्डिंग गिर जाए जलजले में, हम वहाँ जाके कभी मलबा उठा के किसी जख्मी बच्चे से ये नहीं पूछेंगे बेटा तुम क्रिश्चियन तो नहीं हो, अगर बोले हाँ क्रिश्चियन का पत्थर वापस रख दूंगा, नहीं, वो जख्मी है, उसका मजहब जख्मी है, उसकी ज़ात जख्मी है, अगर कोई लाश पड़ी हुई है किसी के हाथ पाँव ख़त्म हो गया या कुछ भी, तो उसकी हुरमत ही है मैं उसको दफनाऊँ, ना कि उस लाश का मजहब ढूंढूँ। मेरे पास कोई यतीम आए कि मैं भूखा हूँ तो मैं उस यतीम को रोटी दूँ, ना कि मैं उससे पूछूँ बेटा पहले अपना मजहब बताओ, अच्छा मुसलमान हो, अब कौन से मसलक से हो, सैयद हो के नहीं हो, अरे भाई भूखा है, यतीम है, मिस्कीन है, किसी का शौहर मर गया, बच्चे भूखे हैं, वो बेवा है, उसके बच्चे मिस्कीन हैं, तो हमें पता है, हम तो शहर में निकलते हैं सिर्फ गर्दन घुमाते हैं, मैं हर तरफ अपने। आज क्या खिला रहे हैं आप अपने मेहमानों को? आज यहाँ पर है देसी मुर्गी की बिरयानी, और उसके अलावा यहाँ पर आज देसी मुर्गी का कोरमा है। अभी देहें आना शुरू हो गई हैं, 20-25 देहें आ चुकी हैं, किचन में भी देहें पक रही हैं, तंदूर पर रोटियाँ लग रही हैं, मजीद देहें आ रही हैं ट्रक की सूरत में, आप अभी इसको देखेंगे। जो लोग पहले आ गए हैं उनको यहाँ पर सर्व किया जा रहा है जैम, अंडा, मक्खन, ताकि उनको रिफ़्रेशमेंट के तौर पर, और एक अच्छा, देखिए ना, ये रेस्टोरेंट्स में नहीं जा सकती फैमिलीज़, तो यहाँ आ रही है ना, तो उनको प्रोटोकॉल तो दें हम पूरा, वो टेबल कुर्सियाँ लगी हुई थी VIP हमने हटा दी, रश बहुत बढ़ गया है, वो हमने साइड पर कर दी हैं, तो इसी तरीके से काम चल रहा है। लोगों का शुक्रिया अदा करते रहते हैं, मैं उसमें आपका हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, पहली सहरी, दूसरी सहरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं और आठवीं सहरी, वो शुक्रिया मेरे तवस्सुल से, मैं उसमें आपका हिस्सेदार। नहीं, बिल्कुल, हम शुक्रिया यही अदा करते हैं लोगों का, जो लोग यहाँ पर आके एक एक दिन की जिम्मेदारी ले रहे हैं सहरी की, अपनी जानब से, अपने मरूमिन की जानब से, अपने इदारों की जानब से, हम उनका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं ताकि दीगर लोगों का भी हौसला बढ़े, आगे बढ़े। इतना बड़ा एहसास है महरूमी, इतना बड़ा गैप है, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ चैनल पर कि वो जो हम सुनते थे ना बचपन में पुल के इस पार और पुल के उस पार वाली बात, ये सच है। आप कराची में, नई कराची जाके किसी बच्चे से पूछ लें ख्यावान मुहाफिज़ देखी है, बोलेगा ये क्या है, किसी नई जगह का नाम है। आप उस पार चले जाइए, उससे बोले औरंगी टाउन देखा है, रई समरोही कॉलोनी देखी है, बोलेगा ये है कहाँ, तो पाकिस्तान के नक्शे में। तो वाकई उस तरफ वालों को इधर का नहीं पता, इधर वालों को उधर का नहीं पता, मिडिल क्लास अब गरीब में तब्दील हो चुका है। जिस शख्स की 50-60 हज़ार 1 लाख रुपये तनख्वाह है, उसके घर में भी मैं समझता हूँ एक वक्त का खाना ख़त्म हो चुका है, और मिडिल क्लास जिनकी तनख्वाहें 50-60 हज़ार है, उन्होंने अफ्तारी छोड़ दी है। 500 रुपये भी अफ्तारी कॉस्ट लगाएं, अगर वो एक दर्जन केले से अफ्तारी में ला रहे हैं, 150 रुपये दर्जन केला है, खजूर है, उसके बाद पकौड़े हैं, समोसे हैं, चना है, तो अगर वो 500 की एक दिन में अफ्तारी करा रहे हैं अपने बच्चों को, तो 15 हज़ार रुपये अफ्तारी के लिए लाए, 15 हज़ार घर का रेंट दे, 10 हज़ार रुपये के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी का बिल दे, माँ बाप बहन भाई सब घर में, इसका मतलब बाकी सब भूखे रहेंगे, तो अब सिर्फ खजूर और अफ्तारी कर रहे हैं लोग। मिडिल क्लास की हालत बहुत ख़राब है इस वक्त पाकिस्तान में। हम दुआ कर रहे हैं परवरदिगार आलम, जो ये नए हुक्मरान आए, इनके आने से
नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कोई रोशनी किरण।